लेजेंड से बातचीत के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड चाहे आप स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो, या फिर आप देखने वाले हो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, या सिर्फ माइंडसेट के पर्सपेक्टिव से देखने जा रहे हो, मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव से देखने जा रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ बैठे हैं रमन सर। ये आज के दिन एक ऐसी कंपनी के फाउंडर है जिसके बारे में सर खुद ही बताएंगे, मैं अपने मुंह से नाम नहीं लूंगा, जिनकी वैल्यूएशन 4,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। ये जर्नी इजी नहीं थी। हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में क्या दिक्कत आई, बिजनेस में क्या दिक्कत आई और कैसे उन्हें ओवरकम किया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होने वाली है। सर से सीधा इंट्रोडक्शन मैं नहीं चाहूंगा कि मैं दूं, मैं चाहूंगा कि सर ही अपनी जर्नी के थ्रू आपको बताए कि कंपनी कहां से स्टार्ट हुई थी और कैसे बनी थी। आज आपको लिस्टेड स्पेस में कंपनी मिल जाएगी तो काफी इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है। तो सर स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। आप एज एन SME IPO आए थे। SME IPO आने के बाद अभी रिसेंटली जो डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग आप वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मिंग SME IPO में से 5 या 7 ऐसा कुछ डेटा है जिसमें आप टॉप 5 में आए हो। तो जर्नी कैसे रही है कंपनी बनाने से लेके SME IPO लिस्ट करने से लेके फिर SME के बाद मेन बोर्ड आना, जो काफी डिफिकल्ट होता है काफी कंपनीज के लिए क्योंकि वो वहां पर जाके भूख खत्म हो जाती है। तो ये मेन बोर्ड पे कैसे आई, ये जर्नी समझाओ ना सर। ये कहानी थोड़ी सी लंबी है, चलिए नीचे से शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे थे उस बिजनेस में बड़े सारे मॉडल होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, रिटेलर चैनल होता है, OEM होता है, सब करते हुए 2008 में अगर आप याद करें तो 2008 में एक रिसेशन आया था। रिसेशन आने की वजह से हमें नज़र आया कि बिज़नेस सारे रुक गए, कॉर्पोरेट ने माल लेना बंद कर दिया, मार्केट में बहुत सारी दिक्कतें थी। तो हमने बड़ा सोचा, तो हमें लगा यार गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर अगर काम किया जाए तो जब तक पूरी की पूरी इकोनॉमी नहीं बैठेगी तब तक गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं खत्म हो सकते। तो हमने प्लान किया कि हम गवर्नमेंट में चलते हैं, टेंडरिंग करेंगे, टेंडर का बिज़नेस करेंगे। 2008 से वहाँ आ गए, बिज़नेस ठीक था, बिज़नेस अच्छा मिल रहा था, ग्रोथ मिलनी शुरू हुई, सब कुछ ठीक था। बट 2014 तक आते आते हमने ये देखा कि हम एक अलग तरीके की चक्रव्यूह में फंस गए। वो चक्रव्यूह क्या था, वो बड़ा मज़ेदार था, सुन के मज़ा आएगा आपको भी और आपके दर्शकों को भी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट टेंडर में खास बात होती है, वही होती है कि आपको एक परफॉर्मेंस गारंटी देनी होती है बिज़नेस में। जितने रुपये का आप धंधा लोगे उतने रुपये का आपको उसका 10%, 5%, 15% अलग अलग होता है। नॉर्मली 10% का रेट चलता है, तो 10% आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरा बिजनेस 2011 के अंदर 10 करोड़ रुपए का था, तो इसका मतलब मुझे 1 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देनी है। अब बैंक गारंटी देने के लिए मुझे बैंक से लिमिट लेनी पड़ेगी, 1 करोड़ की लिमिट ले ली मैंने। अब बैंक कहता है कि आप मुझे परफॉर्मेंस दिखाओ, ग्रोथ दिखाओ। अब मान लीजिए किसी वजह से मैंने अगले साल भी 10 करोड़ का बिजनेस किया, तो अगले साल के बिजनेस को करने के लिए 10 करोड़ की फिर मुझे 1 करोड़ की और बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। अब फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए तो मेरी जो डेट की रेशो थी वो 10% थी, 10 करोड़ पे 10%। लेकिन क्योंकि बैंक गारंटी जो देनी होती है वो लॉन्ग टर्म, जब तक कि आप गारंटी या वारंटी दे रहे हो किसी प्रोडक्ट की, तो नॉर्मली हमारे प्रोडक्ट में 5 साल की गारंटी चलती है। तो इसका मतलब 2011 में जो मैंने बैंक गारंटी दी वो 2016 तक है, तो 2012 में मुझे फिर 10 करोड़ की देनी है, 10 करोड़ पे फिर 1 करोड़ देना है। अब इस साल में भी मैंने धंधा 10 करोड़ का किया लेकिन मेरे भी डेट जो हो गया वो डबल हो गया और बैंक कह रहा तुम तो तरक्की नहीं कर रहे यार। अगले साल में मैंने फिर 10 करोड़ किया, या चलो 15 करोड़ कर दिया, 50% की ग्रोथ कर दी। अब मुझे 1.5 करोड़ की देनी है, अब मेरे पास 3.5 करोड़ का डेट हो गया। तो मैंने ये देखा कि 2013 तक आते आते पोजीशन ये हो गई कि हमें डेट मिलना बंद हो गया, क्योंकि हम नॉर्मली जो रेशो मानी जाती है वो कहते हैं कि एक आइडेंटिकली रेशो जिसमें बिजनेस मॉडरेट है, रिस्क के बहुत मॉडरेट रिस्क पे है, वो 1:1 भी है तो मान लेते हैं कि ठीक ठाक है, मरेगा नहीं। हमारी रेशियो थी 1:4, 1:5। इसका मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है किस दिन मर जाएगा धंधा। तो लेकिन अब धंधे की डिमांड थी तो बैंक ने मना कर दिया कि नहीं जी हम आपको नहीं दे सकते। तो कुछ लोगों ने समझाया कि भैया जॉइंट वेंचर करो, या आप वेंचर फंड के पास जाओ, या आप प्राइवेट इक्विटी में जाओ। तो हम पहले वेंचर फंड पे गए, तो उन्होंने अपनी अपनी बहुत सारी कंडीशन बता दी, तो समझ में आया कि यहाँ भी कुछ नहीं होगा। फिर किसी ने समझाया प्राइवेट इक्विटी में जाओ, तो प्राइवेट इक्विटी में हम गए तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया हमारी कंपनी में और उन्होंने हमें 100 करोड़ की वैल्यूएशन दी उस टाइम पे 2014 में। और उन्होंने कहा जी 100 करोड़ की वैल्यूएशन देंगे लेकिन शर्त एक है कि आपको कंट्रोलेबल स्टेक देना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। तो वो बात वहाँ के रुक गई। अच्छा, जब रुक गई तो उन्होंने, जब भी आप किसी इन्वेस्टर से मिलते हो ना तो इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर को आप प्रोजेक्शन देते हो कि मैं इस साल में क्या करूँगा, अगले साल में क्या करूँगा। तो हमने कुछ प्रोजेक्शन दी थी। तो अब जब हमें नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, हम वापस आ गए, लेकिन हमने एक साल में वो अचीव कर लिया जो हमने प्रोजेक्शन दी थी। प्राइवेट इक्विटी फंड को ये नज़र आया यार ये तो काम कर लिया इन्होंने। तो 2015 में वो फिर आ गए, फिर उन्होंने बात की हमसे दोबारा से, फिर दोबारा उन्होंने हमें एक वैल्यूएशन दी, फिर बात वहीं आके रुकी, कंट्रोलिंग स्टेक। तो फिर
लेकिन जब दोबारा मिले हैं तो फिर आप अगले साल के उनको कुछ प्रोजेक्शन देते हो, तो फिर काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा कि साला इसने तो 2016 में भी ये काम कर लिया, तो फिर अचीव कर गया और पैसे कहीं से नहीं लिए इसने, ये कुछ तो चक्कर है। 2016 में उनकी टीम ने फिर मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा काम तो होता नहीं है, छोड़ो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो 2017 आ गया, 2017 आया तो उनकी एक टीम में से मिली और उन्होंने कहा कि हमारे जो चेयरमैन है वो इंडिया आ रहे हैं, अगर आपको सब ठीक लगता है तो आपकी मीटिंग कराते हैं उनके साथ। मैंने कहा जी करा दो, लेकिन कुछ होना तो है नहीं, करे नहीं आप मीटिंग करो एक देखो कुछ होगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो एक डिनर पार्टी की गई 28 मार्च 2017, तो डिनर पे मिले, बात हुई, सब कुछ होने के बाद उन्होंने मुझे कहा वही बात घूम फिर के कि रमन तेरे को समझ नहीं आ रहा, हम तेरे साथ 3 साल लगाएंगे, हम बहुत बड़ी कंपनी है और हम एक सर्टन लेवल पे आपको लेके जाएंगे, तैयार करेंगे वहाँ तक के लिए, और फिर हमें एक IPO लाना पड़ेगा, फिर जब IPO आएगा तो उसके बाद हम वहाँ से एग्जिट लेंगे। अब स्टॉक मार्केट को ज़्यादा समझते नहीं थे, ज़्यादा कोई समझ नहीं थी, तो ये लगता था कि जो पैसे लगा रहा है वो आपके साथ बहुत दूर तक काम करेगा, जैसे पार्टनरशिप होती है या कुछ और होता है, हमें लगता लॉन्ग टर्म है। तो उसने हमें समझाया कि नहीं हम तो निकल जाएंगे। तो मैंने कहा तुम भी चले जाओगे? हाँ। मैंने कहा मतलब IPO के साथ आप चले जाओगे? कहते बिल्कुल चले जाएंगे। तो मैंने कहा सर जब आपने जाना ही है तो फिर आपके लाने की जरूरत क्या है, हम IPO ले आते हैं। तो वो कहने लगे IPO आना कोई आसान बात नहीं है, ऐसे नहीं होता कि IPO एक मिनट में आ जाता है। मैंने कहा सर अब आता है कि नहीं आता, अब IPO लाएंगे। और हमने वो बात वहाँ ख़त्म कर दी, ये बात है 28 मार्च की। अब कह तो दिया, ज़्यादा समझ तो थी नहीं, 10-12 दिन लगे ये समझने में कि IPO क्या होता है, कैसे आता है, क्या क्या करना होता है, बहुत सारा समझा। 11 अप्रैल 2017 को बैठ के डिसाइड किया गया और एक विजन बोर्ड क्रिएट किया गया, जिस पर बैठ के ये बनाया गया कि 2017 में कि IPO लाएंगे। और जिस दिन वो सोचा था वो दिन था 11 अप्रैल 2017, और जिन लोगों से मिले उन्होंने कहा जी IPO लाने में 3 साल लगते हैं, आपको बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? वो कहते बुक बिल्ड करनी पड़ती है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है। मैंने कहा यार हमने तो कुछ प्लस माइनस किया ही नहीं कभी जीवन में, तो तुम जितनी मर्जी बिल्डिंग करा लो साली रहेगी तो यही, बुक में तो कुछ चेंज नहीं होगा, और जब कुछ चेंज नहीं होना तो फिर वेट क्या करना 3 साल का, फिर तो अभी ले आते हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम कंपनियां रही होंगी, हम 3.5 महीने के अंदर IPO ले आते हैं। अच्छा। और 24 अगस्त 2017 को हम लिस्ट हो गए। किस वैल्यूएशन पे लिस्ट हुए थे? हम लिस्ट हुए थे 59 करोड़ की वैल्यूएशन पे, जो बहुत कम थी, जो बहुत प्राइवेट इक्विटी दे रहा था उससे। हाँ जी बहुत कम थी, लोगों ने कहा कि ये क्या है, तो मैंने कहा जब रास्ता यही है तो चलते हैं, वैल्यूएशन बाद में सोचेंगे। लेकिन एक कंपनी का नाम भी डिस्क्लोज कर, हम लोग हमारी कंपनी का नाम है सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड, आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर फाउंडर प्रमोटर ऑफ सर्वोटेक पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। मेरे साथ मेरी वाइफ है सारिका भाटिया, शीदा कॉर्पोरेट सेल्स डायरेक्टर। 27 साल हुए शादी को, 26 साल हुए उनके कंपनी में, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए राइट, 2004 से हमने बनाई थी, आज पूरे 20 साल हो गए जिस टाइम आप इसको शूट कर रहे हैं, आज का दिन वही दिन है। तो वहाँ से शुरू हुए, तो हम IPO ले आए। अब जब IPO ले आए तो सब अच्छा था, गुडी गुडी था, अच्छा लगता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर आदमी ज़िंदगी में गलतियाँ करता है, हमने भी गलतियाँ की। और जब हम 2017 में IPO लाए तो मार्केट वैल्यूएशन था 60 करोड़, और पैसा आ गया, काम शुरू किया, और हमसे कुछ गलतियाँ हुई, और उन गलतियों की वजह से स्टॉक का प्राइस घट के आ गया 6 रुपये पे। और अगर मैं बात करूं तो 60 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन रह गई मुश्किल से 15 करोड़ या 12 करोड़। तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते थे जो कहते थे कि हम आपका मार्केट मेक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं उनसे एक ही बात कहा करता था कि आप मेक करके करोगे क्या जब धंधा ही नहीं कर पा रहा, तो फिर गिर जाएगा, नीचे फाउंडेशन ही नहीं है। तो मुझे लोग कहते थे कि नहीं हम बना देंगे, तो मैं उनको एक ही बात कहता था कि जब मैं धंधा कर लूँगा, जब मैं चीज़ें कंट्रोल में ले आऊँगा तो अपने आप ये प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो प्राइस लड़ाई नहीं है मेरे लिए, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धंधा। और 2 साल लगे मुझे उसको वापस लाने में, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और इसी दौरान कोविड आ गया। जब कोविड आया तो सब बंद हो गया, सब लोग बड़े परेशान थे कि कोविड आ गया, मैं अकेला आदमी होऊंगा शायद जो खुश था कि जो परेशानी है अभी वो दुखी नहीं करेगा, वो परेशान नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतों में थे हम, डेट बढ़ गया था, जितने क्या रेशियो चले गया था डेट का, डेट का रेशियो तो वही 1:4-5 चल रहा था, जो पैसा आया था वो हम खराब कर चुके थे जो हमें IPO से आया था। लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि शायद ये परमात्मा की कृपा थी, और वो ये थी कि वो नहीं चाहता था कि हम मरें, इसीलिए वो ठीक टाइम पे एक IPO का पैसा आया,
और जितनी हमने गलतियां करनी थी वो सारी गलतियां हमने उस आईपीओ के पैसे से कर ली और हम बच इसलिए गए क्योंकि पैसा था। तो कैश फ्लो मैंने आज तक जिंदगी में जितनी कंपनियां मरते हुए देखी हैं उनके मरने के पीछे सबसे बड़ी वजह एक और रही है और वो रही है कैश फ्लो। तो जो हमारी भी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हमारा कैश फ्लो फंस गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पैसा फंस गया, 80 करोड़ की टर्नओवर पे 55 करोड़ रुपया बाजार में फंस गया था, डेट हो गया था, डेटर्स उधारी हो गई थी तो फंस गया था। तो कंडीशन ख़राब थी, काफ़ी दिक्कत में थे, लेकिन जितने पैसे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए थे वो पैसे धीरे धीरे जो हमारे पास आईपीओ का पैसा था वो कर करके ख़त्म होता जा रहा था। तो जब मार्च 2020 आया तब तक लगभग हम कंप्लीट की तरफ थे कि अब कुछ बचा नहीं। ठीक उसी टाइम पे कोविड आ गया। लोग कहते हैं कि कोविड बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं कहता हूँ कि वो बहुत बड़ी हमारे लिए नियामत थी कि हमें लगा कि अब कोई हमसे कुछ मांगेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, आराम से बैठ के सोचेंगे। और सचमुच वही एक वो टाइम था जिसने बहुत बड़ा मौका दिया, सोचने का टाइम दिया, और हमने जो सोचा और वहाँ जो एक्शन लिए उस एक्शन ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। जैसे अगर आप देखें तो कहा जाता है कुबड़े को लात पड़े कुंभ निकल गया, एक बहुत पुरानी कहावत है। मतलब भी समझा दो। कुबड़े के पीठ पे कुंभ होता है और उसको अगर लात पड़े तो कहते हैं चोट पड़ती है, लेकिन जब उसको चोट पड़ी तो निकल जाता तो है, तो निकल जाता है, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो सेम हमारे साथ भी ऐसे हुआ। हमने देखा, सोचने का जब मौका मिला तो ये समझ में आया कि हमारी प्रॉब्लम की बहुत बड़ी जड़ थी जो आज की डेट में बिजनेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, और वो ताकत मानी जाती है कि आपके सप्लायर्स आपको कितना उधार देते हैं, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। और वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कैसे थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम गवर्नमेंट का बिजनेस कर रहे थे, टेंडर बिजनेस कर रहे थे। टेंडर बिजनेस की सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इसके अंदर ना पैसा इंश्योर्ड है, एश्योर्ड नहीं है। यानी कि आएगा पक्का है, कब आएगा इसकी गारंटी नहीं है। तो आप जब क्रेडिटर से को डील करते हैं ना तो आप उससे एक टर्म लेते हैं। आप टर्म लेते हैं 7 दिन की, 15 दिन की, 30 दिन की, 60 दिन की, 90 दिन की, 120 दिन, जो मर्जी ले लीजिए, 6 महीने की ले लीजिए, लेकिन आपको ये गारंटी नहीं है कि मेरा अगला पैसा उतने दिन में आ जाएगा क्या। तो वो जब भी होगा तो मैक्सिमम मिसमैच रहता है। अब जो मर्जी एक साइकिल बना लीजिए वो मिसमैच रहेगा क्योंकि उस दिन वहाँ से पैसे आने नहीं, लेकिन पीछे वाले की आपने गारंटी दी हुई है कि मैं इस दिन दे दूंगा, तो इसका मतलब आप उसको डिसऑनर करोगे। तो हमारे बिजनेस में ये डिसऑनर हम बहुत फ्रीक्वेंट करते थे क्योंकि हमारा पैसा नहीं आता था। तो जब ये टाइम आया तो इस टाइम में जब मैंने सोचना शुरू किया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो समझ में ये आया कि अगर मैं आज भगवान से ये दुआ मांगूं कि मेरा धंधा 100 गुना बड़ा हो जाए और भगवान कह दे तथास्तु, तो 100 गुना ज़्यादा सप्लाई जूते मारेंगे, उतना ज़्यादा डिफॉल्ट होगा, तो इट मीन्स तो गड़बड़ है। तो हमने ये देखा, फिर मैंने बिजनेस को स्टडी करना शुरू किया, बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को स्टडी करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि किसी भी बिजनेस में जो भी वर्किंग कैपिटल लगी होती है, जितनी भी वर्किंग कैपिटल, मैं अब एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज बिजनेसेस में जो आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल होती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं असेट्स की, इन्वेंट्री, करंट असेट्स, डेटर्स की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की, तो इसके अंदर जो क्रेडिटर्स का रेशो होता है ना वो 20-25% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, अगर मैं उसको 20-25% मानता हूँ तो ओवरऑल आपके बिजनेस में कि टोटल जो साइकिल है वर्किंग कैपिटल का, उसमें मेरे जैसे साइज के अंदर उसका जो साइज था वो 5-7 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं था। इट मीन्स अगर आपने अपने क्रेडिटर्स से 5-7 करोड़ रुपये का उधार ले लिया तो आप जब अगला पैसा अगला माल उससे लेते हो तो पिछला दे रहे होते हो। तो टेक्निकली आप मान लीजिए कि 5-7 करोड़ रुपये रेड हो गया, अब आप माल कैश ही खरीद रहे हो, या आप ये कह रहे हैं कि पिछला दे रहे हैं तो अगला ले रहे हैं, तो उसका उतना पैसा लगा हुआ है, अगला आप रूटीन कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा धंधा बढ़ गया, अगर धंधा बढ़ गया तो थोड़ा सा और ज्यादा लग जाएगा, लेकिन इसकी परसेंटेज वही 20-25% रहेगी ऑफ द वर्किंग कैपिटल, परसेंटेज मोटा मोटी आपको सोर्स करके रखना है हमेशा से। इतना नहीं, इतने का ही पैसा आप उसका लगा सकते हो ना अपने नीचे, सोर्स नहीं किया आपने, इतने रुपए के सप्लायर अपने नीचे लगाए हुए हैं। ठीक है, तो हमने ये सोचा कि अच्छा, उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी आपको पेमेंट नहीं आती और आपको सप्लायर फोन करता है पैसा दे दो, तो आप क्या करते हैं, आप सप्लायर को बड़ा सिंपल सा कहते हैं यार कि वो पेमेंट नहीं आई तो 2 दिन रुक जा या 4 दिन रुक जा। तो सप्लायर के पास क्या है, वो या तो वेट करेगा या आपको अगला माल नहीं देगा, लेकिन अल्टीमेटली वो तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन इस कंडीशन में आप फ्री हो जाते हो क्योंकि आपने अपनी प्रॉब्लम किसी और के साथ रख दी ना, अब प्रॉब्लम आपके ऊपर तो है ही नहीं, प्रॉब्लम तो उसके ऊपर है। जब ऐसा होता तो आप फ्री हो गए, और जब हम फ्री हो जाते हैं तो हमारे एफर्ट्स कम हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, 2020 में, मई 2020 में हमने डिसीजन लिया कि हम आज के बाद क्रेडिट नहीं खरीदेंगे माल को,
हम उधार नहीं लेंगे। और हमने क्या किया, एक टर्म लोन लिया और हमने क्रेडिटर्स निपटा दिए और कैश खरीदना शुरू कर दिया। अब इससे प्रॉब्लम ये थी कि अब हम किसी फोन का जवाब नहीं देना था कि अब हमें पैसे नहीं देने। अब अगर पैसा शॉर्ट है तो हमारा शॉर्ट है क्योंकि बिजनेस रुक जाएगा ऑब्वियसली। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी कलेक्शन फास्ट हो गई। अब हमारा पैसा नहीं रुकता था, अब हमारी कलेक्शन डिपार्टमेंट बन गया, पैसा फास्ट आने लगा। तो जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम डेटर क्रेडिटर से जो पैसा उधार लेते थे या जो मटेरियल उधार लेते थे वो हटते ही हमारी कलेक्शन फास्ट हुई। हम धीरे धीरे करके हमारे पास फंड्स बढ़ने शुरू हुए। लेकिन ये तो अभी भी डिपार्टमेंट ये वो देगा ही नहीं आपको पैसा, आप कितने कोशिश कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जब डिपार्टमेंट पे आप फ़ोन करते हैं या मांगते हैं या आप कॉल करते हैं या बंदा जाता है वो कहता है कल आ जाएगा या कल मिल जाएगा, तो आप बड़े आराम से आ जाते हो क्योंकि आपके और प्रेशर नहीं है। आप एक बात को समझें, एक बच्चा हुआ जिसको भूख लगी हुई है, एक बच्चा जिसको भूख नहीं लगी हुई, आप दोनों को दूध दें, जिसको भूख नहीं लगी हुई वो पिएगा नहीं पिएगा उसकी मर्जी है, लेकिन जिसको भूख लगी हुई है जो बहुत ज़्यादा ईगर है बहुत ज़्यादा डेस्पिरेट है तो उसके पीने की गति क्या होगी। तो सेम ऐसे होता है कि जब आपको पता है कि कल मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा और जब आपको पता है कि कल मेरा माल नहीं बनेगा तो आपके एफर्ट्स 10 गुना हो जाते हैं, तब तो आप रोने पीटने लग जाते हो, भाई साहब पैसे चाहिए तो चाहिए। तो आप कह रहे हो कि इतनी छोटी सी पॉइंट को चेंज करते ही आपकी कंपनी टर्न अराउंड हो गई, पूरी टर्न अराउंड हो गई सिर्फ इतने से छोटे सिर्फ इतने छोटे से। आज हमारी बुक्स में दो तरीके से हम बिजनेस करते हैं, एक ये जिसमें हमारा ट्रेडिंग साइड का बिजनेस है जिसके अंदर फ्रंट से पैसा आएगा और हम पीछे देंगे, वो स्ट्रिक्ट रूल है, उस रूल के अंदर ऑटोमेटेड है पूरा, पैसा आया और ये चला गया। ये जो क्रेडिट साइकिल है, ये क्रेडिट साइकिल वो है जिसमें 1-to-1 कोरिलेट है, राइट। इसमें पेमेंट्स आगे की टर्म से पीछे वाले टर्म गवर्न हो रही है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा पार्ट है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग टेंडर्स सब कुछ करते हैं, उसके अंदर हम प्रोजेक्ट अकाउंटिंग करते हैं। बहुत सिंपल सिस्टम है, जितना रुपये का प्रोजेक्ट है उतना रुपया हम उसके अंदर डिप्लॉय करते हैं और फिर हम माल खरीदना शुरू करते हैं, नो क्रेडिट। इससे आप कह रहे हो कि 60 करोड़ की कंपनी जो 6 करोड़ हो गई थी अब 4000 करोड़ पहुंच गई। हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और एग्जैक्ट 4000 करोड़ ही है, राइट। आज ज्यादा है, कोई 4300 करोड़ के आसपास होगा आज। 4300 करोड़ कितने आराम से बोल दिया। तो मेरे को एक बात बताओ सर, नंबर से भी थोड़े से बात करते हैं ना, 2020 के बाद से रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रो हुए, मेरे को नंबर दो ना सर, ताकि हम फिर उस रेवेन्यूज पे क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से आए कैसे आए। बताओ 2020 से बात करते हैं, 2020 पे तो खत्म हो गए। 2020 में हमारी जो रेवेन्यू था वो था करीब 89 करोड़ का, ठीक है, प्रॉफिट उस पर कुछ भी नहीं बन पा रहा, 1 करोड़ गया, कुछ भी नहीं था, पैट था 90 लाख के आसपास। इसके बाद 2021 में जो हमारा रेवेन्यू था वो था 134 और 144 के आसपास आई थिंक। उसके बाद हमारा जो रेवेन्यू था 144 से 249, और उस पर पैट कितना, 144 पे हमारा पैट था लगभग शायद 3.5 करोड़ और 249 पे था आई थिंक कोई 10 करोड़ के आसपास, और फिर था हमारा 360 के आसपास, उस पे पैट था हमारा करीब 11-11.5 करोड़। एंड करंटली जो हमें लगता है कि अब हम लगभग लास्ट ईयर की रेवेन्यू को हम क्रॉस कर जाएंगे इस हाफ में, H1 में। तो इस साल के फिगर आप करो 1000 में हम ट्राई कर सकते हैं हिट करने के, 1000 तो नहीं कहता लेकिन हाँ बहुत 700-800। हाँ जी बहुत अच्छी होंगे। तो इस जर्नी में जो आपको कंप्लीट जर्नी रही है, इसमें आपने कोई अपने एडवाइज़र की बात सुनी है, आपका खुद का इंट्यूशन रहा है, रहा क्या है इस जर्नी के पीछे का? मैं सचमुच इंट्यूशन पे काम करता हूँ, इसमें कोई दो राय है नहीं, इंट्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड, लेकिन यस इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए एडवाइजरी की टीम है, उन लोगों से डिस्कस किया जाता है। इवन हम लोग जिस भी डिपार्टमेंट का रोल रहता है उसमें उनके HODs उनकी टीम मेम्बर्स हम सबको साथ लेते हैं और वोटिंग भी करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन यस गट फीलिंग पहले होती है, उसके बगैर हम आगे नहीं जाते हैं। आप कह रहे हो गट फीलिंग इज द की? यस गट फीलिंग इज द की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जिंदगी में हर बार हमेशा ऐसे होता रहा है, गट फीलिंग के बगैर मैं आगे नहीं जाता हूँ। एक और अभी इंटरेस्टिंग बात, अभी जस्ट बिफोर शूटिंग आप बता रहे थे कि मैं खुद अपनी कंपनी के शेयर बाय कर रहा हूँ, मुझे कन्विक्शन है, वो क्या है, मुझे आइडिया दो उसका, नंबर्स के साथ आइडिया दो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या इन्फोसिस TCS बनने की कोशिश है? नहीं नहीं पता नहीं हम क्या बनेंगे, ये तो पता नहीं, ये सोच के नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि मेरा ये मानना है कि जो अभी कंपनी की वैल्यूएशन है ये वैल्यूएशन बहुत कम है, अभी हम इससे बहुत आगे जाने वाले हैं। बट अगर मैं बात वैल्यूएशन की करूँ तो मैं वैल्यूएशन नहीं देख रहा हूँ, मैं एक्चुअली जो वैल्यू अनलॉक कर रहा हूँ वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि हम इंडिया की 1 कंपनी बनेंगे और हम बहुत बड़ा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
और इस विश्वास में ये नहीं है कि ये आज है, ये बहुत पहले से है, क्योंकि एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की है हमने, जिसकी मैं बात आपसे आगे करता हूँ। बट जब 2017 में कंपनी लिस्ट की गई थी, तब मेरे ऑफिस के दीवार पे हम लोगों ने विजन बोर्ड क्रिएट कर दिया था, जिसमें हमने 2027 में ये लिख दिया था कि हम कहाँ पहुँचेंगे। और जब मैंने वो बनाया था और वो अपने ऑफिस में की दीवार पे वो मैंने लगाया था, तो मैं इसकी गारंटी करता हूँ कि अगर उसको देख के 100 लोगों ने उसको देखा होगा, तो 110 लोगों ने मुझे गाली दी होगी या मुझे बेवकूफ़ कहा होगा। उसकी वजह ये थी कि जब बाहर जाके उन्होंने 10 और लोगों को बताया होगा, तो वो भी कहते हैं मुझे साला पागल है। उसकी वजह कि किसी को नहीं यकीन था, लेकिन मुझे था कि हम यहाँ जरूर पहुँचेंगे। और हमने हर साल भाई जो 2017 में हमने एक जो हम जिस रेट पे वैल्यू पे हम लिस्ट हुए थे, से 2027 की हमने एक वैल्यू लिखी थी। जब ये दो वैल्यूज आ गई, तो इस वैल्यूज को जोड़ने के लिए आपको बीच में जो है पॉइंट्स को आपस में जोड़ना होता है। इसको जोड़ने के लिए हमने एवरी ईयर अगस्त में एवरी ईयर हम कहाँ पहुँचेंगे उसकी एक वैल्यू हमने मेंशन की कि हम ये वैल्यू करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो हमने बनाया इस साल में, हम उससे 0.25% आगे थे जो हमने डिफाइन की थी। ऑन ट्रैक चल रहा है, ऑन ट्रैक चल रहा है। मैं ऑफ द ट्रैक पूछ रहा हूँ, वर्किंग आवर्स कितने दिन के सर आपके? वर्किंग आवर्स यार आजकल तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल ट्रैवलिंग बहुत है, लेकिन उसको भी अगर वर्किंग मानोगे तो आई स्टार्ट माई डे अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 9:30 में सो जाता हूँ। ये मेरा दिन का शेड्यूल। ऑपरेशन में मेरे जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ मैं 10-11 घंटे दिन के लगाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि 54-55 घंटे महीने में हफ्ते में देता हूँ। अभी रिसेंटली एक बवाल हुआ था कि 12 घंटे से ऊपर वर्किंग आवर्स या 14 घंटे के ऊपर वर्किंग आवर्स का रिसेंटली, उसके बाद बाय चांस मैंने नीलेश शाह सर अपने कोटक के सीईओ के साथ भी पॉडकास्ट कर रहे थे, वहाँ पर डिस्कशन हुआ था, वहाँ पर उन्होंने कहा था मेरे हिसाब से 14 घंटे तो होने ही चाहिए, हम जहाँ से उभर के आए वहाँ पर 14 घंटे आप काम नहीं करोगे तो कैसे आप चाह रहे हो कि हम जापान जैसे या यूएस जैसे बन जाए, उस चीज़ को मीडिया में और बवाल हो गया था। आपका क्या टेक है इस चीज़ पर? सर मैं तो उनसे सहमत नहीं हूँ, नहीं ना, क्योंकि अगर ठीक से समझने की बात समझें तो एक बात समझने की कोशिश करते हैं। आज से 500 साल पीछे चले जाते हैं, 500 साल पीछे अगर हमें 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जाना होता था तो बैलगाड़ी से जाते थे, ठीक है, बैलगाड़ी जाते थे तो 2-3 दिन लग जाते थे, फिर टाइम बदला, फिर उसके बाद साइकिल्स आ गई या कुछ और चीज़ें आ गई तो उससे टाइम थोड़ा और कम लगा, फिर टाइम और बदला तो फिर ट्रेन आ गई, वो ट्रेन जो थी वो पैसेंजर ट्रेन थी, बहुत स्लो चलती थी, लेकिन उससे टाइम और बचना शुरू हुआ और कंफर्ट आना शुरू हुआ, राइट। इसके बाद दूसरी गाड़ियाँ आ गई, फिर कारें आई, बसेज आई, और फ्लाइट आ गई, फ्लाइट्स आ गई, इससे टाइम बहुत कम हो गया, हो गया ना। तो मेरा ये कहना है कि जो हम 14 घंटे लगा रहे हैं उसकी बजाय अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो जो ये चेंज हो सकता है ये चेंज हम यहाँ नहीं ला सकते क्या? तो जापान बनने के लिए ये कौन सी शर्त है कि हमें 14 घंटे काम करना है कि 16 घंटे काम करना है? हमें स्मार्ट वर्क करना है, तो हमें वो चीज़ें ढूंढनी हैं जिससे हम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, बजाय इसके हम टाइम की घंटी बजाएँ। लॉजिक समझ नहीं आ रहा। और अगर हम ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो ये वाली बात तो आज से 200 साल पहले कहाँ कोई मान पा रहा था, आज तो आसान लग रही है ना। किसने माना था 1994 में या उससे पहले कि हम हर आदमी के हाथ में मोबाइल होगा? ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था, आज है ना। AI ने आके अभी एक साल के अंदर इतना कुछ चेंज कर दिया है, जिस लेटर को किसी को रिप्लाई करने में कई घंटे लगते थे वो कुछ सेकंडों में हो जाती है। तो ऐसा हम करके अपनी परफॉर्मेंस क्यों नहीं बढ़ा सकते? तो टाइम ज़्यादा काम करके लॉजिकली कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या सर मैं ये बोलने की गुस्ताखी कर लूँ, मुझे नहीं पता ये आप कैसे लोगे क्वेश्चन को, कि अगर आपके ऑफिस में कोई एक्चुअली एफिशिएंट बंदा है वो 6 घंटे में काम कर रहा है तो यार ओके विद इट? ओके, जा सकता है 6 घंटे में, इसमें कोई नहीं बात, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। हमारी कंपनी में किसी को भी ये नहीं किया, कोई टाइम नहीं, नहीं टाइम है वो अलग चीज़ है, दैट इज़ अ डिसिप्लिन, और वो है डूअर्स के लिए जिनका काम है डेस्क पे बैठ के काम करना। इसके अलावा किसी को भी इस तरीके की बाउंडेशन नहीं है कि वो बैठेगा ही बैठेगा या काम ही काम करेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड है हम, रिजल्ट की बात कर, बहुत सीवीज आने वाले आपके पास। सर तो आपकी जो इंडस्ट्री है इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत रोल है, गवर्नमेंट का क्या माइंडसेट चल रहा है ईवी में, उसका आपका क्या टेक है, प्लस कंज्यूमर का क्या माइंडसेट चल रहा है, इन पे थोड़ा सा लाइट दीजिए ना, आपको क्या लग रहा है इस कंप्यूट सेगमेंट में, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन है, सबको लग रहा है यही नेक्स्ट बिग थिंग है, आपको क्या लगता है? मैं अगर बात करूँ ईवी की तो इसमें गवर्नमेंट का जो ऑफ टेक है वो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
इसकी दो वजह हैं। पहला तो यह है कि पता नहीं आम इंसान कैसे लेता है, लेकिन मैं ये बात आगे आगे कई एक प्लेटफॉर्म से भी बोल चुका हूँ कि इसमें दो बड़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो पहला फ़ायदा वो है जो इनडायरेक्ट बेनिफिट है, और इनडायरेक्ट बेनिफिट ये है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट, इंटरनेशनल ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है, क्योंकि जितना ऑयल कम कंज्यूम करेंगे उतना हमें कम इम्पोर्ट करना है, जितना कम इम्पोर्ट करेंगे उतना ही हमारा डॉलर कम बाहर जाएगा, तो दैट इज़ नंबर वन। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो भी आपको सब्सिडीज दे रही है या और चीज़ें दे रही है वो कहीं ना कहीं सेटअप हो रहा है विद आवर ट्रेड डेफिसिट से, होगा ही होगा, ये पहली चीज़ है। दूसरी बात है ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इन सब के फ़ायदे ही मिलने वाले हैं। तीसरी एक और बात है, और वो ये है कि अगर आप याद करें तो आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो मोबाइल हम कोई भी लेते थे तो उसके अंदर बैटरी भी बाहर निकल जाती थी, क्यों? वो इसलिए क्योंकि पता था बैटरी ख़राब होगी तो बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, मोबाइल रिपेयर होते थे, टीवी रिपेयर हुआ करते थे। आज मुझे बताएं पिछले 2-3 सालों में कौन ऐसा आदमी है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के जो मोबाइल रिपेयर कराता हो या जो टीवी रिपेयर कराता हो? तो ये जो चेंज है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है। आज आपकी गाड़ी में जितने भी मैकेनिकल पार्ट्स कम हो जाएंगे उतनी ही आपकी गाड़ी की सर्विस कम हो जाएगी और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेटर है मतलब आपके लिए, ऑब्वियसली ईवी इज द फ्यूचर आपके हिसाब से? मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही है, और भी बहुत देखो सर, मुझे क्या लगता है इस फील्ड में ये अभी ईवी जितना हो चुका है ना, जितनी अभी इनोवेशन हो रखी है उस पर जितना हुआ हो चुका है वो बहुत हो चुका है, अब ईवी में भी कुछ इनोवेशन चाहिए अगर कुछ नेक्स्ट बिग थिंग करनी है तो। ऑब्वियसली देखो ऐसा है, आप एक बात समझें, इनोवेशन तो इवॉल्व होती रहेगी, ये तो आप भूल जाएं, ईवी को छोड़ दें आप किसी भी फील्ड में चले जाएं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, आप ये देखें कि आपके पास एक मोबाइल है, मान लीजिए आपके पास आईफोन है या आपके पास एंड्रॉयड है, आप जो भी फ़ोन खरीदते हैं कोई भी फ़ोन लें उस फोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, होता है ना? जब उस कंपनी ने वो मोबाइल बेचा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाला तो इसका मतलब उसके हिसाब से वो बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है, वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके बावजूद वो लेटेस्ट वर्जन लगातार देती रहती है आपको, ठीक है ना, आते हैं ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो दे रही थी उस दिन के लिए वो लेटेस्ट था, लेकिन इससे आगे भी अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंसेस, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेंगे तो आउटडेटेड हो जाएगा। तो आप भी इवॉल्व कर लो भैया लाइफ में, ये तो हमारे लाइफ का प्रिंसिपल हो गया, हमें भी इवॉल्व करना जरूरी है, वरना हम आउटडेटेड हो जाएंगे। यस, तो ये सिर्फ ईवी की बात नहीं है, किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे आप सोलर की बात करें, आप ईवी की बात करें, आप ऑटोमोबाइल में किसी चीज़ की बात करें, टीवी में बात करें, मोबाइल में बात करें, किसी भी चीज़ में बात करें। इवन मैं तो देख के पहले बड़ा हैरान होता था लेकिन अब नहीं होता, वो ये होता है कि आप पे देखें अभी जैसे आईफोन 16 आ गया, राइट, आईफोन 16 अभी तक लोगों को डिलीवरी मिलनी शुरू नहीं हुई है, ठीक है ना, आईफोन 17 की बात शुरू कर दी है, उसके डिज़ाइन लीक हो गए हैं, क्या मतलब है? अगर भाई आपको लगता है कि 16 बढ़िया नहीं है और 17 ही बढ़िया तो 17 ही निकाल देते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आज के लिए ये बढ़िया ये दे रहे हैं, अगले की तैयारी साथ शुरू होगी, तो ये तो ईवी में होगा ही होगा। और कंज्यूमर कैसे लेगा इसको आपके डेटा के अकॉर्डिंग? कंज्यूमर कैसे लेगा कि बात यह है कि कंज्यूमर ड्राइव होता है अपने आसपास के एटमॉस्फेरिक चीज़ों से और जो उसके आसपास चल रहा होता है। मैं इसके लिए बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको, बहुत सॉलिड है, और वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आज हिंदुस्तान के अंदर अगर घर में किसी ने भी लाइटें चेंज करनी हो तो नहीं बोल के भेजता कि एलईडी लाइयो, आज है ही एलईडी, ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरी बात नहीं होती। लेकिन अगर आप 2010 के आसपास पहुंच जाएं पीछे तो एलईडी लाइट्स जो कंपनियां बेच रही थी ये सारी वो कंपनियां थी जो एलईडी जो लाइटिंग में नहीं थी, ये सब नए लोग थे, ये सब नए लोग थे। जो कंपनियां लाइटिंग में थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जितनी भी पुरानी कंपनियां थी वो कंपनियां एलईडी को प्रमोट नहीं कर रही थी। वो इसलिए प्रमोट नहीं कर रही थी क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज उन्होंने बिल्ड कर ली है अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों को बेचने में, वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, राइट, उनको वही सबसे अच्छा लगा, उनको वही अच्छा, क्योंकि इसमें से आज रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साइमल्टेनियसली उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब ये दूसरा लेवल पूरा तैयार हो गया और ये अब इसको किल कर सकता है तब वो शिफ्ट मारेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आज भी जो कंपनीज के पास ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या जो अभी ईवी को की बजाय दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है जिसमें बहुत बड़ा कैपेक्स लगा हुआ है वो इसको प्रमोट नहीं करेंगी, और अगर वो प्रमोट नहीं करेंगी तो शिफ्ट में टाइम लगेगा, तो शिफ्ट में टाइम लगेगा उनका,
तो वो कस्टमर के माइंडसेट को भी जल्दी शिफ्ट नहीं होने देंगी, इसके लिए वो उसके अगेंस्ट कुछ चीजें ऐसी लेके आएंगी जिसकी वजह से आम कंज्यूमर को ये लगे कि नहीं अभी शिफ्ट नहीं होना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर यही होने वाला है। पर अभी दिल्ली दूर है? नहीं दूर नहीं है, चीज़ें अब बहुत देर नहीं लगाती हैं बदलने में। आप ये देखें कि अगर आप बात करें तो रिकॉर्ड प्लेयर 30-35 साल चला है, ठीक है। पुरानी जो वो ऑडियो कैसेट्स थी ना वो भी 25-30 साल चली हैं, ठीक है। लेकिन सीडी और डीवीडी 5 साल और 3 साल में ख़त्म हुई हैं। चेंज बहुत फास्ट है, तो यही चेंज यहाँ पर भी है। अगर हम टीवी की बात करें तो आप ये देखें कि नॉर्मल टीवी ने कई साल मतलब 25-30 साल राज किया है, ठीक है। लेकिन जो एलसीडी है, एलसीडी 5 साल में ख़त्म हुआ, फिर एलईडी आया, अब ओएलईडी आ गया, ऑर्गेनिक, आप देखें कहाँ तक कितना चेंज होता चला जा रहा है। तो फास्ट हो गया ना, तो जितना मीडिया और ये इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर करने के तरीके फास्ट हो जाएंगे उतना ही जल्दी सब कुछ बदलेगा। आप समझ रहे हो कि ईवी का शिफ्ट कितने समय में हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंज है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 सालों में आप बहुत बड़ा चेंज देखेंगे हिंदुस्तान की रोड्स पे, यस। और इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत खास हैं। जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या जितनी फ्लीट सर्विसेज हैं वो तो 2026 से पहले पहले बदल जाएंगी विद इन 2 ईयर्स, और उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर के रिलेटेड आपके अपनी कंपनी के 3 फिगर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है? आप सही हो सकते हो, गलत हो सकते हो, और मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा क्योंकि 10 साल से पहले तो मैं वापस आपको पकड़ लूँ, हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे आपसे एंड होपफुली बहुत मजा भी आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं 3 साल की बात करते हैं। आपकी कैपिटलाइजेशन आप कितना देख रहे हो, रेवेन्यूज के फिगर्स कितने देख रहे हो और प्रॉफिट के फिगर्स कितने देख रहे हो? और सिर्फ हम फिगर्स की बात नहीं कर रहे, उसके पीछे का आपका माइंडसेट क्या है, किस तरीके से आपका गोल प्लान या विजन प्लान बन रहा है उसको समझाइए ना। एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ जिसमें कुछ चीज़ों के जवाब बहुत सीधे देने के लिए मुझे ये पोस्ट अलाउ नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत क्लियर नहीं देख पाता हूँ। मेरा विज़न बहुत क्लियर है, रोड मैप क्लियर है, कहाँ जाना है वो भी क्लियर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो एक अलग तरीके से ड्राइव होते हैं। तो मैं इसीलिए कुछ बातों को बहुत सीधा नहीं बता पाऊंगा आपको या कहना नहीं चाहूँगा, बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम जो अपने आप को जहाँ देख रहे हैं, जो पोजीशन हम देख रहे हैं, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि 2020-21 में हम लोग जो शुरू हुए थे तो हिंदुस्तान में वहाँ से लेके अब तक जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स आए हैं, राइट, उस गवर्नमेंट टेंडर्स में मोर देन 50-60% मार्केट शेयर हमारे पास है। दैट इज नंबर वन। अब इसके आगे की जो कहानी है वो थोड़ा सा आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट के और जो प्राइवेटली रिसर्च और जो भी प्रोजेक्शन हैं वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख चार्जर और इंस्टॉल होंगे अगले 6-7 सालों में। ये वो फिगर्स हैं, जो फिगर्स को मैंने डिस्काउंट कर दिया है कई मेथड से। ये मान रहा हूँ कि कम से कम इतना जरूर लगेगा ऐसा करके, नहीं तो फिगर्स इसके 3x-4x जाती हैं। तो अगर 10 लाख चार्जर भी लगेंगे तो इन चार्जर में दो कंपोनेंट यूज होते हैं। एक कंपोनेंट को कहा जाता है हार्ट और एक कंपोनेंट को कहा जाता है ब्रेन। ब्रेन जस्ट लाइक अ सीपीयू कंप्यूटर, जो ये डिसाइड करता है कि ऐप के साथ कैसे कनेक्ट होगा, गाड़ी जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, इसका डाटा ऑनलाइन भेजना, आईओटी की तरह काम करना, चार्जिंग फुल हो गई नहीं हो गई, बैटरी का क्या स्टेटस है, कार कौन सी है, ये सब सारे डिसीजन जो लेती है, दैट इज कॉल्ड वन सीपीयू कंट्रोल सर्किट्स। दूसरा जो पार्ट है उसको कहते हैं हार्ट। हार्ट जो है जो पंप करता है, जैसे ब्लड पंप करता है ऐसे गाड़ी के अंदर जो पावर पंप करता है इट इज अ हार्ट। तो जो हिंदुस्तान में जितने भी चार्जर बनेंगे उनके अंदर जो ये हार्ट लगते हैं ये मल्टी कोर होते हैं। जैसे आपके मोबाइल में सुना होगा 4 कोर, 8 कोर, क्वाड कोर, ये सुने होंगे अपने शब्द। इसका मतलब है एक तरह का प्रोसेसर है जिसमें मल्टीपल कोर्स हैं और जब यूज होता है तो उतने कोर उसके ऑन हो जाते हैं। इसी तरीके से इसमें भी जो हार्ट होता है वो हार्ट मल्टीपल लगते हैं। 60 किलोवाट में 2 लगते हैं, 120 किलोवाट में 4 लगते हैं, 240 में 8 लगते हैं, दैट इज अ मॉडल। तो एक एस्टिमेशन है, वो एस्टिमेशन ये कहती है कि लगभग 6 लाख हार्ट या पावर मॉड्यूल्स रिक्वायर होंगे इन चार्जर्स के लिए, चार्जर चाहे कोई भी बनाए किसी भी ब्रांड का हो। तो 6 लाख एवरेज कंजम्पशन होगी हिंदुस्तान में। हम लोग 2,40,000 पीस पर ईयर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं जिसके लिए हमारी प्लांट बन रहा है। That is number one. तो इससे हम कहाँ जाने वाले हैं आप सोच सकते हैं, नंबर्स आप कैलकुलेट कर लेंगे सर, राइट। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं सोलर की, तो सोलर में हम गवर्नमेंट टेंडर्स तो कर ही रहे हैं, प्राइवेटली
हमारे पास पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1,500 रिटेलर हैं अभी एज ऑन डेट. वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज देम अप टू 10,000 इन नेक्स्ट वन ईयर. अराउंड 4 or 5x हम करने की कोशिश करते हैं. अब ये जो रिटेलर्स हैं इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनके साथ हम रजिस्टर हो गए. यानी कि अगर कोई सर्वोटेक के साथ या सर्वोटेक से कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो केरल में खरीदे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में खरीदे, चाहे वो जैसलमेर में खरीदे, गुवाहाटी में खरीदे, तो उसको सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट से. ये दूसरी बात है. तीसरी बात, इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं जिस भी तरीके के, उसके अंदर जो वर्ल्ड की फाइनेस्ट या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम हिंदुस्तान के अंदर आज की जो टेक्नोलॉजी सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस प्राइस पे अवेल कराने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. तीसरी बात, 2021 में हमने एक और चीज़ टारगेट की थी जो बड़ा क्लियर है हमारा फंडा. हमारी कंपनी की ये स्टेटमेंट है जो हम बार बार देते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देते हैं, वो ये कि, और हम इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं. एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा एंड्रॉयड फ़ोन खरीदता है, आज एंड्रॉयड करीब करीब 90% मार्केट शेयर है एंड्रॉयड ओएस का. अगर एंड्रॉयड बेस्ड कोई फ़ोन खरीदा जाता है और वो किसी और को बताता है मैंने नया फ़ोन खरीदा है, तो वो डिस्क्राइब कैसे करता है? वो डिस्क्राइब करता है, देख मेरे पास ये फ़ोन है, इस कंपनी का फ़ोन है, इसकी मेमोरी इतनी है, इसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है, इसका रेजोल्यूशन इतना है, इसके अंदर इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई है, इसमें इतनी रैम है, इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल है, ये सारी बातें बताता है. लेकिन जो आईफोन खरीदता है वो कहता है आईफोन आईफोन होता है. दैट इज द डिफरेंस. ठीक है, करेक्ट है, कोई स्पेसिफिकेशन की बात नहीं होती. करेक्ट. ये जो डिफरेंस है ना, हम ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे सर्वोटेक के प्रोडक्ट्स से. ये सर्वोटेक 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 होता है. अगर हम ये यूजर एक्सपीरियंस नहीं दे पाए तो हमारा काम करना बेकार है. लेकिन इस पर एक दूसरी शर्त है जो आईफोन पे नहीं है, और वो ये है कि इसको हम चाइना के FOB प्राइस पे बेचेंगे. तो आप सोच सकते हैं हम क्या सोच रहे हैं. इंटरेस्टिंग, काफ़ी हेवी हो गया. अब टूवर्ड्स एंड एक काम करते हैं, एक फन सेगमेंट आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं. मैं आपके लिए एक शब्द बोलूंगा, उसके रिलेटेड आपके पास जो भी दिमाग में आता है ना, मेरे हिसाब से जो जो हमारा फन एलिमेंट अभी तक हमने इसमें मिस कर दिया या आपकी पर्सनल लाइफ को मिस कर दिया, वो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं. पहले एक दो वर्ड जो आपकी लाइफ दिमाग में आता है वो आप भूलिएगा. वाइफ. वाइफ ने, मैं ये कहूँगा कि वो पत्नी कम रही है, वो जोड़ीदार ज़्यादा रही है. आज सर्वोटेक जहाँ कहीं भी खड़ा है उसमें शायद वो सारिका के बगैर नहीं खड़ा हो सकता था. उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद मुझसे भी ज़्यादा. आपकी फेवरेट हॉबी? मेरे को डिसिप्लिन बहुत पसंद है, स्पेशली इन टर्म ऑफ खाने पीने में भी, एक्सरसाइजेज में भी, और सोने और जागने में भी. ये मेरी फेवरेट तरीका है. इसके अलावा टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत टीवी या मूवी देख लेता हूँ. कोई लेटेस्ट मूवी आपने देखी हो? लेटेस्ट मूवी तो मैंने लास्ट अभी शायद उस पर किसी OTT पे देखी है मैंने, एक किल करके कोई आई थी. राघव की अमेजिंग, वो बड़ी अच्छी पिक्चर थी, मजा आया उसको देख के. आपकी 2000 में क्या इनकम थी, रफ आइडिया? 2000 में? हाँ, 2002 के आसपास. बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया यार आपने. 2003 में एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था, इससे ही आप समझ लेंगे मेरी इनकम क्या थी. 2003 में एक ऐसा एपिसोड हुआ था कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी इन्वर्टर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी नामी कंपनी थी, उस कंपनी ने अपने प्राइजेस ड्रॉप किए थे इतनी तेज़ी से कि जिस प्राइस पे एक छोटे मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं आती थी, उस प्राइस पे वो उसने MRP कर दिया था. तो लगा था सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और मैं नौकरी ढूंढने निकल पड़ा था. और मैंने अपनी वाइफ को कहा था बिजनेस तो संभाल ले, कुछ पैसों का आ जाएंगे घर चलाने के लिए, और मैं नौकरी कर लेता हूँ. और नौकरी कितने की मिली थी पहले? नहीं, मैं बताता हूँ ज़िंदगी में वो भी एक बहुत बड़ा सबक है जो मुझे लगता है शायद आपके दर्शकों से अगर शेयर किया तो शायद किसी को कुछ काम दे जाए. क्योंकि मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री में जो नहीं कहूँगा, इस दुनिया में आमतौर पर एंटरप्रेन्योरशिप की दौड़ में जब लोग चलते हैं तो बहुत बार जब वो फेल होते हैं तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनको लगता है यार ये गड़बड़ हो गई. तो मैं गया और मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे बोला, तो 30,000 रुपये मैंने मांगे थे, उन्होंने 30,000 रुपये ओके कर दिए. महीने के साल के? महीने के. महीने के 30,000 रुपये महीना चल रही 2003 की बात. 2003 में मांगी थी. हाँ, उन्होंने ओके कर दिया. नहीं, ओके कर दिया. तो मुझे बोला कि आप कल से ज्वाइन कर लो. मैंने कहा ठीक है, मैं कल से ज्वाइन कर लूँगा. तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा और वो वही सवाल था जो जिसकी वजह से मैं गया था, कि उस कंपनी ने तो मार्केट ही पूरी खा ली. अब क्योंकि पूरी मार्केट खत्म कर दी है तो मैं नहीं जी सकता. तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा
कि सर ये जो प्रॉब्लम है ये तो आपके साथ भी आने वाली है क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री की हो, तो आप ये बता दो कि हम इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कैसे करेंगे, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया जो मैं कभी भूल नहीं सकता, और जवाब उन्होंने ये दिया कि रमन एक बात ध्यान रखना कि इस दुनिया में यूनिवर्सली ये सच है कि आज तक कभी दुनिया में ऐसा टाइम नहीं आया जब किसी एक ब्रांड की मोनोपोली हो पाई हो। उस जमाने में कहीं पर बिना का बिकता तो कहीं सिबा का बिकता है, कहीं पर कॉलगेट बिकता है तो कहीं पेप्सोडेंट बिकता है, तो कहीं पर कैंपा बिकता है तो कहीं थम्सअप बिकता है, कहीं कोक बिकता है तो कहीं पेप्सी बिकता है। आपको सिर्फ शेयर लेना होता है एक दूसरे का और अपनी जगह बनानी होती है। जब ये बात सुनी तो मैंने कहा थैंक यू, मुझे लगता है मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, और मैं वहाँ उठा और वापस आए और हमने काम किया। और आपको शायद सुन के हैरानी होगी, एक साल में हमारा रेवेन्यू 4 times था, वी हैव ग्रोन बाय 4x इन अ ईयर, और 2004 में हमने इस कंपनी को फॉर्म कर दिया। आपकी पहली कार? मेरी पहली कार थी मारुति ओमनी वैन, पुरानी मैंने खरीदी थी। कौन से साल में? 96 में। रफ आइडिया? लगभग शायद 80,000 रुपये की थी। और आज आप क्या ड्राइव कर रहे हो? आज भगवान के आशीर्वाद से सारी अच्छी गाड़ियाँ हैं। मैं अभी इलेक्ट्रिक एस क्लास है मेरे पास मर्सिडीज की, जो मैं यूज़ करता हूँ। आई थिंक यहाँ पे हमें ये कंप्लीट कन्वर्सेशन एंड कर देनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, पर स्ट्रगल्स आपने आज कंप्लीट पॉडकास्ट में सुने होंगे, कहाँ कहाँ पे कितनी बार फेलियर आ चुका था, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट डाल दीजिएगा, अपने व्यू को डालिएगा, हम उस पर रिवर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस। ये बिल्कुल एंडिंग का जो पंच था ना कि इलेक्ट्रिक वो भी एस क्लास, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।